क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपनी ड्यूटी कर रहा संजय साहब, अभी मैं DCP साहब से बात करा, मान के डब्बे होटल Thank you.
बाहर ही नहीं है पहले आपके मैं सबसे पहले आपके चैनलों के जरिए तमाम लोगों को रमजान शरीफ की मुबारकबाद देता हूं। और आज अभी कुछ देर पहले सदर मोहतरम नखीब मिल्लत को यहाँ के लोग पुरानी हवेली के पत्थरगट्टी और तमाम कई लोग उनको फ़ोन करके बताया कि पुलिस की जानिब से होटलें बंद करवाई जा रहे हैं, दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। उनकी हिदायत के ऊपर मैंने पुरानी हवेली पर आया और काली खबर पर आया। आने के बाद मैंने होटलों को खुलवाया, पान के डब्बों को खुलवाया, डीसीपी से भी मैंने बात किया और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने असेंबली में पुरजोर नुमाइंदगी की। हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुखन्ना व एमएलए कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने पुरजोर नुमाइंदगी की और उनकी नुमाइंदगी के ऊपर उन्होंने ये कहा कि माह रमज़ान में तमाम दुकानों को रात में खुला रखना चाहिए, होटलों को खुला रखना चाहिए। असेंबली में सीएम ने वादा किया यकीनन हम रमज़ान में और जितने जगने की रात आती है उसमें मैं असेंबली से ऑर्डर दे रहा हूँ, स्टैंडिंग ऑर्डर, दुकानें खुली रहना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की जानिब से दुकानें बंद करवाए गए, मैंने यहाँ पर आकर दुकानों को खुलवाया, पान के डब्बों को खुलवाया, होटल को खुलवाया ताकि लोग रमज़ान में दुकानें बंद कर कर भी अपने घरों को जाते हैं, जाते जाते होटलों से कुछ ले जाते हैं, होटलों में खाते हैं। और जो लोग बैचलर्स हैं, जो बाहर से पढ़ने आए, बाहर से काम करने आए, वो लोग भी आकर यहाँ पर होटलों पर खाते हैं और सैरी करते हैं ख़ास तौर से। तो सैरी के लिए इन होटलों को रात भर खुला रहना चाहिए। हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं जिस तरह से असेंबली में हमने किया कि रमज़ान में तमाम दुकानें 24 घंटे खुले रहना चाहिए। हमेशा की तरह हम यह मुतालबा करते हैं और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यही चाहती है कि तमाम लोग रमज़ान में किसी को तकलीफ़ ना हो, दुकान वालों को तकलीफ ना हो, क्योंकि धूप काले का टाइम है, रोज़दार दिन के टाइम पर नहीं निकलता है बाहर खरीदो फरोख्त करने के लिए, रात में खरीदो फरोख्त किया जाता है। तो तमाम दुकानों को भी खुले रहना चाहिए क्योंकि ये धंधा दुकान का जो होता है साल में एक मर्तबा रमज़ान में धंधा इनका होता है, तो दुकानों को भी रात भर खुलना रहना चाहिए। जो लोग ख़रीदने के लिए रात में ही निकलते हैं हम ये कहते हैं कि तमाम दुकानें और होटलें सब रात भर खुली रहना चाहिए।